वाणी में जाएंगे। पहला वाणी मैं पढ़ता हूँ। बाइबल में ऐसे लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन चढ़ने से पहले यीशु प्रभु जो सात वाणी को बोले थे, हम उस वाणी में अपना ध्यान को लगाएंगे। पहला वाणी है लूका रचित सुसमाचार उनका 23 अध्याय और उनका 34 पद। यहाँ पे ऐसे लिखा, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर से लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उनका 34 पद। पहला वन, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बाइबल हमें बताती है हर एक व्यक्ति को पाप का अंगीकार करना और पाप को मानना जरूरी है, वो कोई भी हो। जब तक एक व्यक्ति अपना पाप का अंगीकार नहीं करता, जैसे बाइबल में लिखा, अगर मन से विश्वास करे और मुंह से पाप के अंगीकार करने के द्वारा, लेकिन बाइबल ये भी बताती है पाप को मानना और पाप को छोड़ देना माफ किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। अगर हम पाप करे और पाप का क्षमा मांग ले तो बाइबल बताते कि यीशु प्रभु अपने लहू से सुधर पाक करेगा। लेकिन अगर हम पाप करते रहें, क्षमा भी मांगते रहें, पाप भी करता रहें, क्षमा भी मांगता रहें, तो बाइबल बताती कि उसको उस कठोर परिस्थिति में, ढिटाई के पाप में, उन्हें उसके कठोर मन में छोड़ दिया जाएगा। यीशु प्रभु जब क्रूस पर चढ़े हुए थे, तब उन दो व्यक्ति जो उसके दाएं और बाएं थे डाकू, उसमें से एक डाकू ने कहा कि तू भी हम में से एक के समान जो इधर क्रूस में चढ़ा हुआ है। तब उसमें से एक डाकू कहता है कि हम अपने पाप के कारण सजा भोग रहे हैं, लेकिन ये जो है ये तो कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी इसे क्रूस पर हम लोगों के जैसा टांग दिया। तब उसमें से वही डाकू उससे कहता है कि हे प्रभु, अगर तू स्वर्ग में जाए तो मेरी सुधि लेना। यानी कि वो डाकू अपना पाप का अंगीकार अपने प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, और यीशु मसीह ने उससे तुरंत कहा, ठीक है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोग में होगा। यानी कि प्रभु उन डाकू का पाप को माफ किया। उसी तरह जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, अपना लाइफ जो हम जी रहे हैं, बाइबल हमें बताती कि रोज प्रतिदिन हम बाइबल पढ़ने वाले, प्रेयर करने वाले, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी हो, हमें रोज एवरीडे अपना हर एक गुनाह का, पाप का अंगीकार अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने करना होगा और पाप से तोबा करके, पाप को छोड़कर यीशु प्रभु के लहू में शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध होता रहना होगा। प्रभु इस पढ़े हुए वचन में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय महान परमेश्वर प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस वचन को परमेश्वर सुने हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस सात वाणी में जो पहला वचन जो था महान प्रभु, इस क्षमा के विषय में कि यीशु मसीह ने कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसी कड़ी परिस्थिति में भी यीशु प्रभु माफ़ किया, क्षमा किया। हे परमेश्वर, अगर इन दिनों में अगर आपका कोई भी भक्त, कोई भी जन इस समय जब परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में अगर बैठा है, एक मन एक चीत होकर कि आज से पाप को तोबा करके पवित्रता को पहनते हैं और पवित्र आत्मा के अधीन में अपना लाइफ को बिताते हैं, महान परमेश्वर अपने वचन के निमित्त परमेश्वर, जिस तरह आपने डाकू को आशीष किया, उसी तरह प्रभु जितने भी इस समय आपके भक्त परमेश्वर अपने अपने गलती, अपने अपने पाप का क्षमा मांगते, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर में भी उतरे, उन लोगों से बातचीत करें, आपका लहू परमेश्वर उन लोगों को शुद्ध पाक करे, आशीष करना महान परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
आमीन आमीन। इससे पहले फिर से हम दूसरा वचन में जाएंगे। दूसरा वचन में लिखा लुका रचित सुसमाचार उनका 23 अध्याय उनका 43:43 पर। इससे पहले हम उस वचन को पढ़े, उस वचन में जाए, हम फिर से एक कोरस गाएंगे प्रभु के लिए। लकड़ी पे लटकाना देने को जिंदगी, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आइए इस समय फिर से हम वचन में जाएंगे, हर एक बार पढ़ दे लुका रचित सुसमाचार उनका 23 अध्याय उनका 43 पर। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। बाइबल में ऐसा लिखा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, यानी कि वो डाकू ने जब प्रभु यीशु मसीह के सामने में अपना पाप को, अपने आप को नम्र दीन बनाया और नम्र दीन बनाकर अपना जीवन को, अपने आप को उन्होंने प्रभु के हवाले किया, उन्होंने एक शब्द बोला कि प्रभु तू अगर स्वर्ग राज में जाए तो मेरी सुधि लेना। क्योंकि डाकू को मालूम था कि हमारा जाना तो स्वर्ग कठिन है, हम जा नहीं सकते, हम अपना पाप का फल को इस समय भोग रहे हैं, शरीर में भी और आत्मा में भी। लेकिन ये जो है प्रभु यीशु मसीह जो कहलाता है, ये सच में स्वर्ग से आया और ये स्वर्ग ही जाएगा। इसलिए डाकू ने बोला कि अगर प्रभु आप स्वर्ग में जाए ना, तो प्रभु आप जरूर से मेरी सुधि लेना। यानी कि उस डाकू को मालूम है एक पात्र केवल मार्ग असत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है, उनके बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, ये बाइबल बताती है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि अपने गुनाह का माफी जो है एकमात्र केवल यीशु मसीह का लहू से ही शुद्ध और पाक हो सकता है। अगर हमें स्वर्ग जाना है अनंत काल के लिए अपने प्रभु के संग, अगर हमें हमेशा के लिए रहना है अपने प्रभु की उपस्थिति में जो इन दिनों में हम रहते हैं, और मरने के बाद भी अनंत काल के लिए उस जगह पे अगर हमें रहना है, तो बाइबल हमें बताती है पाप से घृणा करना पड़ेगा, पाप से अपना ध्यान को दूर करना पड़ेगा, चाहे वो पाप छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु यानी कि नर्क, मृत्यु यानी कि शरीर में भी मृत्यु, आत्मा में भी मृत्यु, यानी अनंत काल में मृत्यु की कटघार में खड़ा रहेगा, जलता रहेगा, जहाँ पर कोई सुधि लेने वाला नहीं होगा। क्योंकि बाइबल बताती भजन संहिता 6:8 में कि मरने के बाद तेरा स्मरण अधोलोक में कौन करेगा और अधोलोक में तेरा धन्यवाद कौन सुनेगा। मेरे परमेश्वर के भक्तों, जितने भी इस समय प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आपके लाइफ से हो सकता जाने अनजाने कुछ भी अगर किंतु परंतु हो, बाइबल हमें बताती कि हमारा लाइफ में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा मार्ग जो है सीधा है, सीधा चलना है, परमेश्वर के बताए हुए नक्शे कदम पे चलना है। जैसे पत्रस ने कहा, मैं मसीह की इसी चाल चलता हूँ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चला, मैं भी वैसे ही चलता हूँ। पौलुस कहता, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, क्रूस को देख और तू चलता चला जा। मेरे परमेश्वर के भक्तों, ये समय है अभी भी जो हम ये लॉकडाउन में आज भी उस अपने प्रभु के वचन को स्मरण करके, प्रभु के वचन को जो हम इस समय बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मेरे और आपके पास में एक अच्छा मौका है जिससे कि हम पूरा ध्यान अपने प्रभु में, अपना पूरा लाइफ परमेश्वर के अधीन में रखें, जिससे कि उस परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे और आपको गाइड कर सकता है, वो परमेश्वर का वचन ही है जो हम लोगों को हर महामारी से बाहर निकाल कर आनंद काल के लिए ले जा सकता है। हालेलुया। प्रभु आज के इस वचन में आशीष दे और दूसरा वाणी में भी आशीष दे, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। महान परमेश्वर प्रभु जी, अपने पवित्र वचन के अनुसार हर एक लोग को, हर एक आत्मा को प्रभु जी तैयार कर, जो इन दिनों में कई लोग परमेश्वर आपके पवित्र वचन में ढूंढ रहे हैं,
कई लोग आपके पवित्र चरणों की उपस्थिति में अपना जीवन को बिता रहे हैं। महान प्रभु, ये अच्छा समय है प्रभु, हर एक की आत्मा में आपकी पवित्र आत्मा दस्तक दे प्रभु, हर एक दिल खुले, दरवाजा खुले, आप इंटर करें प्रभु अपने सामर्थ्य के संग, और हर एक को काटे छांटे और फलवंत करें मेरे परमेश्वर आत्मिक जीवन के लिए महान प्रभु, क्योंकि आपके आनंद निकट है। हे यीशु प्रभु, हम में से कोई भी ये पृथ्वी पर जितने भी आपके संत कहलाते, आपके भक्त कहलाते, जिनका भरोसा आपके ऊपर में है, कोई भी ना छूटे प्रभु। उस डाकू को आपने कहा परमेश्वर कि मेरे साथ आज ही तो स्वर्ग लोक में होगा। हे पवित्र आत्मा, आपके आत्मा की गहरी उपस्थिति दे, जिससे कि प्रभु हर एक लोग आपके आत्मा की उपस्थिति में स्वर्ग के लिए अपने आप। और 27 पद को पढ़ेंगे, तीसरा वन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। तीसरा वाणी में बाइबल बताती है, जब यीशु अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोग से प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ले, अब यही तेरा पुत्र होगा, क्योंकि मैं तो मेरे विषय में तो तुझे मालूम था, क्योंकि स्वर्गदूत ने आके तुझे बताया था कि एक उद्धार करता इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, जो सबके पाप के लिए और सबके गुनाह के लिए अपने आप को समर्पण करेगा, अपना सब कुछ है, हर एक लोग का पाप को ढोने के लिए अपना लहू को बहा देगा। ये मदर मैगडलिन मेरी को मालूम था, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसे पहले ही कह दिया था, और बाइबल बताती है पहले ही यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, वो पाप को त्यागेगा और वो पाप से दूर रहेगा। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। बाइबल बताती आदि में वचन, वचन ही परमेश्वर, और वो वचन जिस स्वर्गदूत ने लेकर आया, मदर मेरी ने उस वचन को ग्रहण किया। अब बाइबल बताती यूहन्ना 1:12 में कि वो गर्भवती हुआ और एक पुत्र को जन्मी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। बाइबल हमें बताती है इसलिए कि ये माता जो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करती थी, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानती थी कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है और किस लिए इस जगह पे आया है। इसलिए फिर भी बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम रखता था अपने चेलो लोग से, बोला कि सुन, अब से यही तेरी माता होंगे, और सुन, अब से देख ये लोग ही तेरे पुत्र होंगे। ये जितने मेरे चेले हैं उन्होंने अपना प्रेम को प्रकट किया, इसलिए क्योंकि मरियम ने भी अपना परमेश्वर से वैसे ही सच्चा प्यार किया, और उसी प्रेम को, उसी प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर ने मदर मेरी को चुना और अलग किया, क्योंकि उन दिनों में वही एक पवित्र नारी थी, वही एक ऐसा जन था जिनसे परमेश्वर बहुत खुश था और प्रसन्न था। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपना शब्द को स्वर्गदूत के द्वारा मरियम तक पहुंचाया, जिससे कि यही एक नारी है इस आत्मिक बात को समझ सकेगी और मेरा इस योजना को भी जान पाएगा। इसलिए मदर मेरी ने उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनकर स्वर्गदूत की बातों को ग्रहण किया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के उन चेलों लोग के लिए जो वो उन समय में उन चेलों ने उस मदर मेरी को अकेला नहीं छोड़ा, उनके संग और साथ किया, जिससे कि यीशु मसीह का उस प्रेम में कोई घटी कमी ना हो, उन्होंने इतना प्यार करने लगा। ये इतिहास बताती है बाइबल के विषय में, मैं कई ऐसे लोगों से सुना हूँ कि बहुत ज़्यादा चेले लोग फिर उनसे प्रेम करने लगे, जैसे कि उन यीशु मसीह का प्रेम जो है कमी महसूस ना हो, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं, एक माँ एक बच्चा को जब जन्म देता, उस माँ को मालूम है एक बच्चा का प्रेम और एक प्यार को, उसी तरह माँ के दिल को बनाने वाला परमेश्वर, तो वो परमेश्वर के अंदर में कितना प्यार है
हम लोगों के लिए ये हम समझ नहीं पाएंगे और न जान पाएंगे। हम तभी जान पाएंगे जब तक हम उस परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में अपना लाइफ को ना बिता ले, तब तक उस परमेश्वर का प्रेम को ना समझ पाएंगे ना जान पाएंगे। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन में आशीष दे, आमीन। इससे पहले हम फिर से चौथा वाणी में जाएं, एक कोरस गा लेंगे। समाचार उनका 27 अध्याय उनका 46 पद को हम पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबकतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसका 47 भी पढ़ेंगे। जो वहां खड़े थे उसमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। बाइबल यहां पर बताती है, चौथा वाणी मत्ती रचित सुसमाचार उनका 27 उनका 46, प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे पहर में बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लबा सबस्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए क्योंकि बाइबल बताती है कि पूरा पृथ्वी का पाप प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पाप को उठाया और वो मृत्यु का सामना किया। बाइबल ये बताती है, उसी तरह अगर हम भी पाप में अगर अपने जीवन को बिताते रहें तो हमारा और आपका भी मृत्यु निश्चित है, आत्मिक तरीका से भी शारीरिक तरीका से भी हम पाप में फंसेंगे, पाप में लाइफ समाप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत काल तक नाश ना होगा, अनंत काल तक सुरक्षित रहेगा, स्वर्ग में रहेगा। जो परमेश्वर ने स्वरूप समानता में बनाया वही स्वरूप समानता में परमेश्वर फिर से उस अदन की वाटिका में ले जाके खड़ा करेगा। इसलिए बाइबल यहाँ पर बता रही कि पूरा पृथ्वी का पाप जो आदम के द्वारा पाप जो पृथ्वी पर आया, हर वो पाप जो आदम ने किया और आदम के वंशज से जो चलते चला आया अब तक, उस सारा पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ले लिया और परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्योंकि यीशु मसीह उस समय महसूस करने लगा, इस समय मेरे अंदर में ताकत, इस समय मेरे अंदर में वो बल,
उस समय वो प्रेरणा, उस समय वो चीज जो उपस्थिति को महसूस करना था, वो उन सारी चीज से वंशज हो रहे थे, वो उन सारी चीजों से अपने आप को आस्ते 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 अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कहा, एली एली लबा सबस्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। नीचे जो लोग खड़े थे वे सोचे ये एलिया को पुकार रहा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना परमेश्वर को पुकार रहा था, क्योंकि यीशु मसीह का बल और ताकत और सामर्थ परमेश्वर था। क्योंकि बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे, बाइबल बताती कि प्रभु जब प्रार्थना करने जाता था उस समय परमेश्वर उन चीजों को उन्हें दिखाता था, समझाता था, बताता था, और वो चीज वो प्रेयर में देख लेता था, जान लेता था, समझ लेता था, फिर वो उन चीजों को पृथ्वी पर आके करता था। हालेलुया। इन दिनों में भी मेरे और आपके पास में भी परमेश्वर का वचन है, इन दिनों में मेरे और आपके पास में अच्छा पवित्र आत्मा है, मेरे और आपके पास में एक अच्छा परमेश्वर की उपस्थिति है, और वही उपस्थिति इन दिनों में मुझे और आपको भी बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत कुछ सिखाता भी है, बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ आने वाले दिन में समझा भी चुका है। कैसे प्रेयर करना है, हमारा प्रेयर कितना गंभीर होना चाहिए, हमारा उपवास कैसे रहना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए बाइबल बताती कि ऐसा ना हो कि हम पाप में जीवन बिताए और जब मरने का समय आए तो हम परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर तू कहाँ है। तब उस समय परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु मसीह को उस समय अकेला छोड़ दिया, उस समय परमेश्वर भी मुझे और आपको पाप में देखकर अकेला छोड़ देगा। मेरे परमेश्वर के भक्तों, ये समय है कि मैं और आप बिल्कुल गंभीर हो जाए। इन दिनों में जो इस समय हम अपने घर में बैठ के आज चर्च कर रहे हैं, जो आज कलीसिया एक नहीं हो पा रही है, आज कलीसिया अलग अलग जगह पर घरों में ही इंटरनेट के द्वारा इस गुड फ्राइडे को मना रहे हैं, आप सोचो क्या समय आ गया। इन दिनों में हम कौन सा समय को देख रहे हैं, कौन सा समय हम इस समय पार कर रहे हैं। आप डेली देखो टीवी न्यूज, आपको पता चलेगा बाहर का हालचाल, आप पढ़ो बाइबल, आपको वचन के विषय में पता चलेगा क्या हो रहा है और आने वाले दिन में और इससे खतरनाक क्या हो सकता। आप इससे पहले अपना लाइफ को इधर उधर भटकाओ, टेढ़ा माकर चलो, प्लीज परमेश्वर के भक्त, आप जितने लोग भी हैं देख रहे हैं, आप तौबा करो। एक ही चीज है आपके पास में, प्रेयर, पश्चाताप और पवित्रता। आप पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा, प्रेयर नहीं करेंगे, परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में नहीं जाएंगे, आपको प्रभु का योजना समझ में नहीं आएगा, वचन नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर का मार्ग आपको समझ में नहीं आएगा क्या चलना है। परमेश्वर इस पढ़े जाने हुए चौथा वाणी के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर आशीष करे, जिससे कि परमेश्वर हमेशा जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, वो ये शब्द पवित्र आत्मा प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा हम लोगों के संग साथ रहे। आमीन। इस समय पछवा वाणी में जाएंगे, हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, पछवा वाणी में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 19 अध्याय और उनका 28 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 19 अध्याय और 28 पद पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। बाइबल यहां पर बताती है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हो चुका, यानी कि परमेश्वर ने जिस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्रता में बनाकर, पाप से दूर रहकर, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखकर, निष्कलंक शुद्ध पवित्र होकर, अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के अधीनता में रखते हुए, अपने आप को परमेश्वर उस सारा पाप जो आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर आया था, हर एक लोग का पाप, बाइबल बताती है, हर एक लोग का पाप, हर एक अभिशाप, हर एक वो चार पुस्तकों का अभिशाप, हर वो अभिशाप जो मुझे और आपको घेर के रखा था, हर वो पाप जहां मुझे और आपको क्रूस चढ़ना, जहां मुझे और आपको हर एक पाप का जो है प्रायश्चित करना था, वो हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ले लिया, जिससे कि वो सारा पाप को जब ऊपर में लिया, जब वो जान गया कि परमेश्वर ने जितना जितना पाप आदम ने किया उन सारे पृथ्वी का पाप को मैं ले लिया हूं, इसलिए परमेश्वर मुझसे दूर है,
चौथा वाणी में कहा कि परमेश्वर तू कहा, इसलिए अब वो जान गया कि अब पाप का काम पूरा हो गया। पाप का काम पूरा होने का माने है कि पृथ्वी का हर एक पाप जो आप पाप कल करने वाले हैं, वो कल का भी पाप को, अगर आप फेथ आपका मजबूत है प्रभु में, आपका विश्वास अगर मजबूत है प्रभु यीशु मसीह में, तो वो कल का भी पाप, आपका बच्चा का भी आने वाला अपराध को बाइबल बताती, वो अपने कांधा में, अपने शरीर में ले लिया, जिससे कि धर्मी का वंश बचाया जाए, धर्मी के बेटे बेटे आशीषित होने पाए। इसलिए बाइबल में ये शब्द को लिखा कि धर्मी के वंश जो बचाए जाएंगे, धर्मी के वंश जो है आशीषित हो जाए, आशीषित रहेंगे। कारण क्योंकि पाप तो हम आज कर रहे हैं, लेकिन ये पाप करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पाप को उठा लिया। इसलिए बाइबल यहां पर लिखा कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन में आशीष दे। हम इस समय जाएंगे छठवा वाणी में, छठवा वाणी में यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 19 अध्याय और उनका 30 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 19 अध्याय उनका 30 पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अब बाइबल यहां पर बताती है जब यीशु मसीह ने सिरका लिया तो कहा पूरा है। जब यीशु मसीह ने कहा, छठवा वाणी में, पांचवा वाणी में हमने पढ़ा कि पूरा हुआ, मैंने जो कहा गया वो पूरा हुआ, मैं प्यासा हूँ, तो लोग समझे कि मैं प्यासा हूँ। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे, सैनिक लोग, उन्होंने सिरका लेकर उसके मुंह में उनको डालने लगा, जिससे कि इनका प्यास बुझे। छठवा वाणी में बाइबल यहाँ पर बता रही कि सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। प्राण जो है हर एक इंसान के अंदर में है, प्राण जो है हर एक व्यक्ति के लहू में छुपा रहता है प्राण। इसलिए बाइबल यहां पर बताती है उसके शरीर, जब उनको क्रूसिफिकेशन हुआ, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके शरीर से शरीर का उनका पूरा लहू बह गया, पूरा लहू निकल गया उसके शरीर से। बाइबल बताती है कि जब लहू निकला उसके बाद में फिर उसके शरीर से पानी भी निकलना चालू हो गया। एक सैनिक ने आके उसके पसली पर भाला फेंका, जहां खून निकलना चाहिए था वहां से पानी निकलना चाहिए था। कारण क्या है? कारण यह है कि अब आप सोचो, आप समझो इस बात को, आप आत्मिक रीति से समझने की कोशिश करो, आप ध्यान दो उस यीशु का लहू, एक शरीर में कितना लीटर लहू रहता है। अब सोचो वो जितना भी लीटर मेरे अंदर, आपके अंदर, यीशु मसीह के अंदर में जो लहू था, सोचो वो पूरा लहू बहा दिया। इसलिए बाइबल यहां पर लिखा पूरा हुआ, मेरा लहू पूरा अब निकल चुका, अब मेरे शरीर में एक बूंद भी ऐसा लहू नहीं जो लोग बोले कि नहीं अब भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने अपना शरीर का पूरा लहू बहा दिया, जिससे कि हर एक व्यक्ति शुद्ध और पाक हो सके। सेकंड बाइबल बता दी, शरीर लहू के साथ साथ इस शरीर के अंदर में लिक्विड जो है वो पानी है, ठीक है? ये दो ही चीज है बॉडी के अंदर में, एक पानी और एक लहू, बाइबल बता दी। उसके बाद में सैनिक ने जब उनको उसके पसली पर भाला को भोंका, तो बाइबल बता दी कि उसके भाले भोंकने के द्वारा उसके पसली से पानी भी निकलने लगा। अब सोचो आप क्या कंडीशन में है यीशु प्रभु, और उस समय भी अपना परमेश्वर के अधीनता में, उस समय भी वो चाह के भी अभिशाप नहीं दे पा रहा, चाह के भी वो कुछ कर नहीं पा रहा, चाह के भी स्वर्गदूत को आज्ञा नहीं दे रहा कि ये लोग मुझे इस समय मृत्यु के कटघार पर खड़ा किया, आके पलटा ले ले। लेकिन प्रभु को मालूम था कि अगर मैं क्षमा किया हूं तो इन्हें स्वर्ग मिलना चाहिए, अगर ये स्वर्ग जाएगा तो परमेश्वर का वचन को पूरा करेगा, परमेश्वर का वचन जो पृथ्वी पर भी और जो स्वर्ग में भी है। बाइबल हमें बताती है एक लाइन से, एक पापी अगर मन फिराता है तो सबसे पहले एक पापी जब मन फिराता है तो पाप का पश्चाताप करता। पाप का पश्चाताप करने का माने होता है कि वो अपना हृदय से ठान ले कि आज से कोई पाप नहीं करना है, पाप से तोबा कर मन को फिरा कर प्रभु के वचन में खड़ा रहना है और चलना और फिरना है और स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करना है। उसी तरह जो है बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु, जो
निर्गमन 20 अध्याय के अनुसार जो चार पुस्तक अभिशाप हम लोगों के बॉडी के अंदर में काम करता, यीशु मसीह ने उन अभिशाप को भी, बाप दादाओं का भी अभिशाप को भी अपने अंदर में रख नहीं छोड़ा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया। कोई भी पापी व्यक्ति आकर अपना पाप का पश्चाताप करके वो अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार कर सकता है, नो डाउट। हालेलुया, परमेश्वर 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 इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम जाएंगे सत्वा वाणी में, बाइबल यहाँ पर बताती है सत्वा वाणी में लुका रची सुसमाचार उनका 23 अध्याय उनका 46 पर, लुका रची सुसमाचार उनका 23 अध्याय उनका 46 पर पढ़ेंगे, 23 अध्याय उनका 46 पर। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज, इस पृथ्वी पर कई लोग मर रहे हैं, ठीक है, और आप मरते देखे भी होंगे कई लोगों को, और मरने की चर्चा भी सुने होंगे। अब आप सुनो काम की बात और इंपॉर्टेंट बात, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं? क्या कॉन्फिडेंस था प्रभु यीशु मसीह के अंदर, वो कितना फेथफुल था, कितना विश्वास योग्य था अपना परमेश्वर के लिए। और सोचो मरने से पहले प्राण, जब वो प्राण छोड़ रहा है उस समय वो बोल रहा है कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। अब आप सोचो हम और आप किस परिस्थिति में है, यही व्यक्ति इस शब्द को बोल सकता है जो बिल्कुल वचन में खड़ा है, वचन में परफेक्ट है, वचन के अधीन अपना लाइफ को बिता रहा है, वचन को सीधाई में लेके चल रहा है, बुराई से अलग होकर, हर पाप से अलग होकर अपना जीवन को परमेश्वर के वचन के अधीन में खड़ा कर दिया। ये मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक चेला मुझे याद आ रहा है, इस समय प्रीच करते समय एक 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 यीशु मसीह का एक चेला था जिसको लोग जो है पथरवा कर रहे थे, और जब उनको पथरवा करके स्टिफनुस जब उनको पथरवा कर रहा था उस समय उस स्टिफनुस ने उस स्टिफनुस कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि मरते समय जब उनका प्राण निकल रहा था उस समय बाइबल बताती कि वो स्टिफनुस जो है स्वर्ग को खुलता हुआ देखा, अपने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान बैठा हुआ देखा, और वो देख रहा है इधर इनका प्राण निकल रहा है, और क्या फेथफुल स्टिफनुस बोल रहा है, परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर और मुझे, परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, अब परमेश्वर इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, फिर भी आप इन्हें माफ कर। कितना बड़ा हृदय ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में एक शुद्ध और परिशुद्ध पवित्र आत्मा है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्षमा, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है अपना आत्मा परमेश्वर के हवाले, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है मरते समय में भी कि परमेश्वर इन्हें माफ कर। अब आप सोचो हम किस परिस्थिति में, आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, ठीक है, घर के अंदर आज हम सात वाणी को हम सुने, सात वाणी जो पहला से लिखा लुका में, उसके बाद फिर सेकंड लुका में लिखा, यूना में लिखा, मती में लिखा, यूना में लुका में लिखा, सबसे पहला था, सबसे पहला विषय था पाप की क्षमा, क्योंकि प्रभु को मालूम था अगर मैं क्षमा नहीं किया तो मेरे लिए स्वर्ग जाना कठिन होगा, मेरे लिए भी इस पृथ्वी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहला वाणी बोला, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह माफ करना और माफी देना जानता था। प्रभु यीशु मसीह जो है वचन को समझना और वचन के अनुसार अपना लाइफ बिताना जानता था। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था आज्ञाकारी क्या है और आज्ञा में कैसे विश्वास में बना रहना है, इसलिए उन्होंने अपने चेला को बोला, आज से ये तेरी माता होगी तो इनका आदर करना, इनका सम्मान करना। चौथा में जो हम सुने, चौथा वाणी में जो हम सुने कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब जो है उस स्वर्गदूत, चौथा वाणी एक बार हम पढ़ेंगे, मती उनका 27 उनका 46 पद को पढ़ेंगे, मती उनका 27 उनका 46 पद, थोड़ी जल्दी से
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एक व्यक्ति जब पवित्रता में खड़ा होता है तो कई लोगों का ऐसी कई ऐसी बातें अपने दिमाग के अंदर में आज भी, आज के तारीख में भी कई ऐसा पास्टर है अपना चर्च का पाप को लेकर, हर एक का बात को सुनकर, उसकी बीमारी की बातों को सुनकर, उसके अधर्म की बातों को सुनकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास में हर एक का पाप को लेकर जाता है कि प्रभु इन्हें माफ कर दे, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। लोगों को मालूम नहीं पास्टर क्या लाइफ जीता है, लोगों को आज भी मालूम नहीं कि एक पास्टर का लाइफ कैसा होना चाहिए, लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा पास्टर किस लिए प्रभु ने पास्टर बनाया और पास्टर का पूरा ओरिजिनल लाइफ क्या होना चाहिए। मेरे परमेश्वर के भक्तों, बात पास्टर की भी है, बात पास्टर के पीछे चलने वाले कलीसिया की भी है। अगर प्रभु ऐसा किया तो पास्टर को भी करना है, पास्टर को करना है तो बिलीवर को भी करना है। इसलिए बाइबल हमें बताती है उसी तरह पांचवा वाणी में प्रांत्यागा, छठवा वाणी में, पांचवा वाणी में पूरा हुआ, छठवा वाणी में पांचवा वाणी में कहा मैं प्यासा हूं। अभी सोचो, आज भी पवित्र आत्मा प्यासा है, आज भी पवित्र आत्मा चाहता है कि कौन पश्चाताप करे, मन फिराए और मैं अपनी आत्मा इस अंत के दिनों में उंडेलूंगा। ओएल नबी की पुस्तक के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, आज भी परमेश्वर प्यासा है, आज भी यीशु मसीह प्यास के साथ अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अगर ये पश्चाताप कर रहा है तो भेज अपनी आत्मा, भेज अपनी पवित्रता, भेज अपना सत्य वचन, भेज अपना वो नमक, भेज वो नमकीन, भेज वो परमेश्वर वो फायर, भेज वो आग परमेश्वर, जिससे कि एक अच्छा लाइफ को परमेश्वर ये जी सके और एक सत्यता के साथ अपना जीवन को बिता सके। जब ये व्यक्ति जब अपना आत्मा अपने हृदय में जान ले कि नहीं, मुझे जो करना था, मैंने अपने जीवित काल में जितना मैंने वचन सुना उस वचन पर मैंने सब कुछ करके देख चुका, समझ चुका, अब मेरा समय आया प्रभु के पास जाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है अगर यीशु मसीह को, स्टिफनुस को, पौलुस को अगर दर्शन मिला स्वर्ग में है और उनका प्राण निकलने वाला है स्टिफनुस को, तो आज भी वही परमेश्वर है। अगर कोई परमेश्वर का दास आज भी मृत्यु के कटघर में है तो मैं ये विश्वास करता हूं अगर वचन के बंधन में बंधा है, पवित्र आत्मा के बंधन में बंधा हुआ, पवित्रता में वचन की अभिषेक में अगर वो बंधा हुआ है तो आज भी वो अपना आंख को अगर वो खोलता होगा ना तो वो स्वर्ग में अपना परमेश्वर को देखता होगा और उनके आत्मा से भी ये बात निकलता होगा, हे प्रभु मुझे ग्रहण कर, मेरी आत्मा को स्वीकार कर, जिससे कि मैं आनंद काल के लिए तेरे संग एक अच्छा लाइफ को बिता सकूं। हालेलुया। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है इस शरीर के अंदर में एक आत्मा है और बाइबल बताती है पिता के विरुद्ध, पुत्र के विरुद्ध अगर पाप करे ओके तुम्हें माफी मिलेगी, लेकिन होली स्पिरिट के विरुद्ध में, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर कोई भी पाप करेगा, ना उनका क्षमा ये पृथ्वी पर, ना उनका क्षमा उस जगह पर है। इसलिए मेरे और आपके पास में टाइम है कि मुझे चेक करना है। सातवानी आप फिर अगला साल सुनेंगे, सातवानी फिर आपने बीते साल भी सुना, सातवानी आप आज भी सुने, लाइफ आपका कहाँ है, कौन सा लाइफ जी रहे हैं आप, देखो अभी क्या कंडीशन है, लॉकडाउन हमें कितना आत्मिक बनने की जरूरत है। बाइबल लिखा जब तक यहोवा मिल सकता है उसे ढूंढो, जब तक आपका पुकार को सुन सकता है पुकार लो। एक ऐसा समय आएगा आप पुकार नहीं पाएंगे, एक ऐसा समय आएगा आप ढूंढ नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद करे, मुझे आपको तैयार करे पवित्र आत्मा, जिससे कि हम आत्मा में मजबूत हो सके, वचन में मजबूत हो सके, पवित्रता में मजबूत हो सके। अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम इस सात वाणी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, अब तक आपने जीवित रखा इस सात वाणी को बोलने के लिए इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपने जितनी आत्मा को परमेश्वर पूरे वर्ल्ड में अब तक आपने बचाया है, हर एक पास्टर को आपने परमेश्वर खड़ा किया है, हे प्रभु इन दिनों में अपनी वो आत्मा दे, खराई से चलने वाली आत्मा परमेश्वर, खारी बुद्धि दे, खारा विवेक दे परमेश्वर,
क्योंकि जब हम पाप करते तो हमारा विवेक हमें बताता है कि मैं पापी हूं, चाहे मैं प्रार्थना करूं, चाहे मैं वचन बोलूं, चाहे मैं किसी का पक्षपात करूं, मुझे मालूम है कि मेरा विवेक इस समय क्या बोल रहा है, मैं गलत हूं सही हूं। प्रभु विवेक को जांचने वाली परख की आत्मा दे अपने दासों के अंदर, अपने विश्वासी लोग के अंदर, आपके ऊपर में जितने लोग भरोसा करते हैं उन लोगों के ऊपर में यह सत्य आत्मा दे परमेश्वर। सत्य आत्मा जो बाइबल में लिखा तुझे आजाद करेगा, यही सत्य आत्मा, यही होली स्पिरिट जो प्रभु के पास था, जो चेलों के पास था, यही सत्य आत्मा दे जिससे हम अपने विवेक को जांचे, अपना विवेक को परखे, अपने आप को समझे, अपने आप को परमेश्वर परखे कि वचन के अनुसार है या वचन के विरुद्ध है, मेरा चाल चलन वचन के अनुसार है, मेरा स्वर्ग जाना क्या वचन के अनुसार है या नहीं, मेरा लाइफ जीना वचन के अधीनता में है या नहीं, मेरा मुंह का शब्द का बोली परमेश्वर के वचन के अधीन में है या नहीं। महान परमेश्वर प्रभु जी अपने इस पढ़े जाने वाले वचन में, और मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर हर एक विश्वासी हर एक पास्टर के अंदर में आपकी ये सत्य आत्मा काम करे, क्योंकि अब वो समय आया कि हम एक मन और एक चित हो जाए, अब वो समय आया कि एक मन एक चित होकर एक ही प्रेयर हो, एक ही आत्मा के परमेश्वर घूट पीकर, एक ही पवित्र आत्मा के सामर्थ को पीकर आपकी उपस्थिति में हम अपना लाइफ को हम सब बिताते रहे। प्रभु आपका अनुग्रह सबके जीवन में बना रहने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। महान प्रभु हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं, अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबको तैयार कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रार्थना, स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप इंटरनेट चालू ही रखिए, और भी सेवक लोग आते होंगे इंटरनेट में, किसी का 12 बजे से चर्च है, किसी का 1 बजे से, आप जितना हो सके और वचन सुनिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोला वो परफेक्ट हो, मुझसे भी और भी ऐसे ऐसे दास लोग हैं, मैं भी देखता हूँ सुनता हूँ कोशिश करता हूँ अपना आत्मिक जीवन को ठीक जगह पे रखने के लिए। तो आप जितने भी देख रहे हैं इस समय लाइव, और भी पास्टर लोग आते होंगे उनका भी लाइव सुनिए। आपका मेन मकसद होना चाहिए आपका लाइव वचन के अधीन में हो, और वो सत्य आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा है तो आपको सत्य चीज सिखाएगा और सत्य काम करने सिखाएगा। आप अपने आप को जांचे और परखे और सत्य आत्मा के संग अपना लाइफ को मिटाए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।